अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है वला तहिनू वला तहज़नू अंतुम अलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया गम मत करो, हुज़्न व मलाल मत करो, तुम ही ग़ालिब आ जाओगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। हज़रात मोहतरम, अब हमें मोमिन बनने की जरूरत है। अगर हम सच्चे और पक्के मोमिन बन गए तो हज़रात दुनिया की कोई ताकत भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए कि तारीख हमारे सामने है। जब हजरत 313 जंगे बदर में थे तब भी हजरत फतेह और कामयाबी इस्लाम वालों को मिली थी, नबी के गुलामों को मिली थी। और हजरत जब करबला के मैदान में 72 थे तब भी कामयाबी नबी के गुलामों को मिली थी। हजरत मोहतरम, इसी के ताल्लुक से बस थोड़ा सा समाप्त कर ले। आपने सुना होगा हजरत अली रजी अल्लाह तआला है, एक जंग हो रही है और उस जंग में हजरत एक बहुत बड़ा काफिर जो कि 1000 पहलवानों की ताकत रखता था, हजरत वो लड़ने के लिए मैदान में उतरा। जब वो मैदान में उतरा तो मैदान में उतरने के बाद चैलेंज करने लगा, कोई है जो मेरी ताकत को ललकारे, कोई है जो मुझसे आकर मुकाबला करे, कोई है जो मेरे सामने आए, कोई है जो तलवार लेकर आए। मगर हजरत नबी का जो गुलाम होता है, नबी के जिसके दिल में नबी का इश्क होता है, नबी की मोहब्बत होती है, हजरत मोहतरम वो कभी पीछे नहीं हटता, वो आगे बढ़ता चला जाता है, उसके कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं। हजरत मोहतरम जब मामला बिल्कुल करीब आया, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अली रजी अल्लाह तआला तशरीफ लाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे आका हुक्म फरमाइए, आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं जाकर इससे लड़ना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली जाओ जाओ, मैंने इस काफिर को तुम्हारे हवाले कर दिया और तुम्हें परवरदिगार आलम के हवाले कर दिया। हजरत मोहतरम मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से हजरत अली रुखसत होते हैं और हजरत अली रुखसत होने के बाद में उस काफिर के सामने पहुंचते हैं जो 1000 पहलवानों की ताकत रखता था। मगर कुर्बान जाइए, ये नबी के गुलाम है, दामादे पैगंबर फातहे खैबर जनाबे हैदर अली मुश्किल कुशा अली मुर्तजा मैदान में आए हुए हैं, ये कोई ऐसा वैसा नहीं, अरे ये वो है जिसने किलाए खैबर के दरवाजे को उखाड़ करके अपनी ढाल बना लिया था। ये वो अली है जिसके लिए शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, शायर कहता है शहीद करबला का मुस्तकिल किरदार लिखा है, शहीद करबला का मुस्तकिल किरदार लिखा है, बनाने जिंदगी मौला अली से प्यार लिखा है, और हमें हमें दुनिया की कोई फौज पछता कर नहीं सकती, हमें दुनिया की कोई फौज पछता कर नहीं सकती, हमारे परचमों पर हैदर करार लिखा है, हमारे परचमों पर हैदर करार लिखा है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला उसके सामने पहुंचे और सामने पहुंचने के बाद हजरत मोहतरम उससे लड़ना शुरू कर दिया, अपने अंदाज में लड़ रहे हैं। एक मरतबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने अपना रुख फेर कर अपना चेहरा फेर कर मुस्तफा जाले रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब को देखा तो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह मौला में अपने हाथों को उठा करके दुआ कर रहे थे, ऐ परवरदिगार आलम तू अली को कामयाबी अता फरमा, ऐ परवरदिगार तू अली को कामयाबी अता फरमा। हजरत ये मेरे मुस्तफा की दुआ थी। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, तो आए मोहम्मद और इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से, जब तो आए मोहम्मद
اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب بار کیا تو ایک ہی بار میں اس کافر کا سر کاٹ کر مصطفیٰ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. اللہ کی قسم یہ قرآن نے اعلان فرما دیا تھا تم مومن ہو غم مت کرو حزن و ملال مت کرو تم ہی غالب آ جاؤ گے. شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ. اے دنیا والے اگر ہم سچے پکے مومن بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں للکار نہیں سکتی. دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سامنے نہیں آ سکتی. دنیا کی کوئی باطل طاقت ہم سے ٹکرا نہیں سکتی. اس لیے کہ ہم نبی کے وہ وفادار غلام ہیں جب کہ اعلان کرتے نظر آتے ہیں تاریخ کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں. تاریخ کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں. خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں. خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں. ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے. ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے. ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. میں نے جو بھی کچھ عرض کیا قصد سیون کوئی خطا ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول.